Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. RLSP यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसकी मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा। अगर उनकी पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी के प्रदेश महासचिव और सह जिला परिषद सदस्य रहीं सीमा कुमारी कुशवाहा ने पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमें ये कह रहे थे कि आप जो होंगी करहगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी RLSP के सिंबल पर, लेकिन उन्होंने हमको जो है टिकट देने से मना कर दिया है और वो टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं जो उनका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। RLSP प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर सीमा कुशवाहा ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के माध्यम से RLSP सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर क्या क्या आरोप लगाया है, देखें इस वीडियो में। साथियों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज मैं दुखी मन से अपनी बात साझा करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव पद से और सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा जिस तरह से हमें गुमराह कर ऐन वक्त पर मेरा टिकट काट दिया है, अगर हमारे टिकट काटने से उनका जंदहा में बन रहा मॉल बनकर तैयार हो जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम चाहेंगे कि उनके एक मॉल क्या टिकट बेचकर 4-5 मॉल बना लें, हमारे टिकट काट जो उनका मॉल रुका है हमारे टिकट बेचकर उसमें पैसा लगाएंगे, बना ले 4-5 मॉल ज़्यादा। बोलते हैं कि महिला को इज्जत देते हैं, महिला को पटना में 4-5 दिन से दौड़ा रहे हैं। क्या हम कुशवाहा नहीं हैं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.